आज मैं आपको रैबिट्स के लिए हेल्दी ट्रीट कैसे बनाया जाए वो बताने वाला हूँ। और ये ट्रीट हम एक दिन में या आधे दिन में भी कह सकते हैं, बना सकते हैं इसे। और ये ट्रीट हम बनाने वाले हैं बेसिल्यूस और जो गोभी का पत्ता होता है, इन दोनों चीज़ों से हम ट्रीट बनाने वाले हैं। बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हैं हम। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ये ट्रीट बनाने के लिए आपको किसी भी चाकू या कटर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। पर उस जो भी आप चाकू या कटर लेंगे उस पर जंग नहीं चढ़ी होनी चाहिए, जो आपके रैबिट्स के लिए बहुत हानिकारक होती है। क्योंकि ये चाकू आपको इसको आप जो पत्ता ले रहे हो, जिस ट्री का पत्ता ले रहे हो, उसे कट करने के काम में आएगा। सो चलिए गाइस, हम इसे काट लेते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने इसे इन पत्तों को काट लिया है। और आप देख सकते हैं इसमें जो स्टिक होती है वो मैंने नहीं काटी है, क्योंकि ट्रीट सूखेंगी नहीं। और ये आप अपने रैबिट्स को दे सकते हैं, ये उनके लिए हानिकारक नहीं होता है, ये भी हेल्दी ही होता है और रैबिट इसे भी खाना बहुत पसंद करते हैं। सो गाइस, अब इसे काटने के बाद ऐसे आप कितने भी बना सकते हैं, आपके हिसाब में है। अगर आप ज़्यादा देर तक स्टोर करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं। पर गाइस, इसे आपको अपने रैबिट्स को डेली नहीं देना है, ये उनका मेन फूड नहीं है। और गाइस, ये ट्रीट पूरी नहीं कंप्लीट हुई है। हमें ऐसे काटने के बाद इसे छत पर सुखाने के लिए रख देना है। तो चलिए ये भी करते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं ये कितने एकदम कड़क हो चुके हैं। और देख सकते हैं गाइस, इसको मैं ऐसे तोड़ूंगा तो आवाज़ भी आएंगी, देख सकते हैं आवाज़ आ रही है। और गाइस, आपको ज़्यादा देर तक इसे मतलब धूप में नहीं रखना है। लगभग अगर गर्मी का मौसम चल रहा है तो लगभग 4 से 5 घंटे, और सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आप 12 घंटे भी रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं, कलर देख लीजिए पहले गाइस, अब इसका ऐसा कलर होना चाहिए। और आवाज़ सुनिए, ऐसी आवाज़ आनी चाहिए, तब तक आपको इसे रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रीट की तरफ। सो गाइस, जो नेक्स्ट ट्रीट हम बनाने वाले हैं वो आप देख सकते हैं। ऐसे हमने बेसिल्यूस ले लिया है। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि बेसिल्यूस फ्रेश होने चाहिए, एकदम फ्रेश, और उस पर कोई फर्टिलाइजर नहीं होना चाहिए, पेस्टिसाइड नहीं होना चाहिए। और आपके जो बेसिल्यूस हो वो थोड़े से साइज में बड़े हो तो ही अच्छा है, मेरे देख सकते हैं ज़्यादा बड़े नहीं है, क्योंकि रैबिट्स को छोटी छोटी चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देते। और आपके रैबिट को जब वो छोटी सी ट्रीट करेंगे उनको उतना लगेगा नहीं कि ये ट्रीट हमने खाई। और अगर आप छोटी छोटी यूज़ कर रहे हो तो आप जब ट्रीट दें उन्हें तो उन्हें 2 या 3 इसके पीसेस दें, और बहुत ही अच्छे से इसे धो लें, इसे थोड़ी देर गर्म पानी में रखें और फिर ही आप इसे यूज़ करें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसमें जो आप देख सकते हैं ये लकड़ी होती है उसे हमें निकाल लेना है। सो चलिए निकाल दें। सो गाइस, मैंने इसको लकड़ियाँ जो निकाल ली है, देख सकते हैं, या ये भी आप अपने रैबिट्स को दे सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और ऐसे जो आपके पत्ते हो जाते हैं फिर आपको इसे कुछ भी नहीं करना है, पत्तों को थोड़ी देर पंखे की हवा में या कूलर की हवा में, एसी में नहीं गाइस, एसी ठंडा रखती है, इसे ठंडा नहीं रहना चाहिए, इस पर हवा लगनी चाहिए। आधे घंटे तक कूलर के सामने या पंखे के नीचे आप इसे रखें, और उसके बाद आप इसे धूप में रख दें। सो अब मैं इसे धूप में रख दूंगा और फिर हम देखेंगे 4-5 घंटे के बाद, क्योंकि अब गर्मी चढ़ रही है, तो 5 घंटे बाद के बाद हम देखेंगे ये कैसे बनता है। चलिए देखते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये भी वैसे ही कड़क कड़क हो चुकी है, और देख सकते हैं ऊपर छत पे किसी लकड़ी होंगी वो आ चुकी है इसके ऊपर। वैसे अगर आपके इस पे ऊपर ऐसे आ जाती है तो आप उसे इसे तोड़ के फेंक दीजिए। देख सकते हैं कितनी अच्छी से बना है, आप देख सकते हैं, मैं आपको एक पत्ता दिखाता हूँ, देखिए कलर देखिए सेम है दोनों का भी, उसका भी वैसे ही सेम था। और अब इसकी आवाज़ सुनिए, बहुत ही अच्छी आवाज़ आती है। मेरे पास बहुत सारे हैं, मैंने पहले भी बहुत बार ट्राई किया है, और ऐसी बात नहीं है कि आपके रैबिट्स को ये पसंद नहीं आएगा। मैं अब भी आपको मतलब जहाँ पे
में मैं बैठा हूँ वहाँ पे अपने रैबिट को लाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मेरे रैबिट को कितना पसंद है ये। सो चलिए देखते, आप देख सकते हैं मैंने मेरे रैबिट को ला लिया है। मैं इसे ज़्यादा देर ज़्यादा अभी खाने नहीं दूंगा, थोड़ा सा एक आंधी पीस खा लूँगा। देखिए कि इसे कितना पसंद है, इसे खा रहा है। आवाज़ सुनेगा, इसे आवाज़ भी आ रही है और ये भी उसे पसंद है, ये भी उसे खा लेगा। पर उसने अभी खाना खाया है इसलिए वो ज़्यादा खाएगा नहीं, फिर भी वो थोड़ा सा टेस्ट कर ही लेगा। देखिए उसने ये भी खा लिया। इस रैबिट्स को ट्रीट्स बहुत ही पसंद होते हैं और ट्रीट्स खाने से रैबिट हैप्पी होते हैं। मतलब आप हैप्पी होते हैं इसलिए आप इन्हें मेन डाइट नहीं रख सकते, आपको इन्हें ग्रास और हे खिलाना है। तो हे कैसे बनाई जाती है उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से हम हे बना सकते हैं ग्रास की हे। बस इतना ही बताना था मुझे इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।